हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज सुरेश वाजपेयी एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम 60। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, मैंने आपको बताया था, मींस व्हेन इलेक्ट्रो मींस चार्ज है, स्टैटिक मींस रेस्ट। मतलब कि आपको मैंने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन वी डिस्कस द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस और द एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम, क्लियर। इन सब की जब हम बात करते हैं या फिर इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, फिर एनर्जी की बात करते हैं कि चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा, चार्ज का मोशन कैसा हो रहा होगा, इन सब की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो बात करी उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस एट रेस्ट। अब रेस्ट पे चार्जेस हैं, ठीक है, तो उस समय उनका उनके बीच में इंट्रैक्शंस, ठीक, वो कैसी फील्ड जनरेट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी पॉइंट के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल का क्या मतलब है, कैपेसिटर की फिर हमने बात करी। कैपेसिटर पे भी एक्चुअली स्टूडेंट्स चार्जेस एट रेस्ट ही होते हैं, मूव नहीं करते, क्लियर। जब हम कैपेसिटर के सर्किट की बात करते हैं, वहाँ पे भी बैटरी से जो चार्ज निकल गया वो जब कैपेसिटर पे आता है, और फिर हम डिस्कस उस समय नहीं करते जब वो चार्ज कैपेसिटर पे जा रहा हो। हम कैपेसिटर की प्रॉब्लम सिर्फ तब डिस्कस करते थे जब चार्ज कैपेसिटर पे पहुँच चुका है, मींस स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अब कोई चार्ज बैटरी से नहीं निकल रहा है, हम उस केस की बात करते थे, ठीक है। मतलब हमने जो भी कैपेसिटर के प्रॉब्लम देखे हैं स्टूडेंट्स, उन सारे प्रॉब्लम पे एक चीज कॉमन थी, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब था कि चार्जेस जो थे वो अब रेस्ट पे थे, क्लियर। बैटरी से जितने चार्ज निकल गए उतने निकल गए, कैपेसिटर की एक प्लेट पे इंड्यूस्ड हो गए, फिर दूसरी प्लेट पे भी उतने इंड्यूस्ड हो गए, और दूसरी साइड से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो क्यू चार्ज वापस आ गया। मतलब कि आपको याद आ रहा होगा कि इस तरह से ये कैपेसिटर होता है और ये बैटरी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी से क्यू चार्ज अगर निकला तो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ गया और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो चुका है, क्लियर। तो प्लस क्यू चार्ज ही यहाँ से वापस आ जाएगा बैटरी पे, तो बैटरी जितना चार्ज लेती है उतना देती है, उतना ले भी लेती है, क्लियर। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये क्यू चार्ज, तो हम बात कर रहे हैं इस क्यू चार्ज की स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, कैपेसिटर पे जितना चार्ज आ गया उतना आ गया, अब कैपेसिटर से कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होना है, क्लियर। मतलब मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी क्यू, क्लियर। इसका कैपेसिटेंस अगर सी है, बैटरी अगर वी वोल्ट की है, तो ये हम बात कर चुके थे, है ना। कैपेसिटर की इस तरह की प्रॉब्लम हमने खूब देखी है, क्लियर, लास्ट लेक्चर में ही देखी है। तो कैपेसिटर की कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया, उसमें भी चार्जेस एट रेस्ट होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम अपना डिस्कशन जो है वो चार्जेस एट रेस्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और करंट की तरफ लेते हुए जा रहे हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं स्टूडेंट्स, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उस समय उनमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स होती हैं। कैसी फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। कैसी फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैंने आपको वहां पे ही बताया था कि जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट पे भी होती हैं और चार्जेस जब मोशन कर रहे होते हैं तब भी होती हैं। लेकिन जब चार्जेस मोशन कर रहे होते हैं तब वहां पे एक और एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में नहीं, इसके अगले चैप्टर में, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम उस मूविंग चार्ज का बिल्कुल भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं देखने वाले हैं, वो चैप्टर अलग है। इस चैप्टर में हम सिर्फ उस करंट, उस मूविंग चार्ज पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उस मूविंग चार्ज की वजह से वो जो चार्ज वायर में मूव कर रहा है उसकी वजह से कैसे इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, क्लियर। वो चार्ज क्यों मूव कर रहा है, अगर कोई रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर क्या है, उस चार्ज को मूव करने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं उनको रेजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, वो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्लियर। इन सब की बात हम करने वाले हैं, सर्किट्स देखने वाले हैं इसमें हम, सर्किट्स, क्लियर। मींस दो चार फैन लगे हैं, फैंस को हम रेजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे जो डिवाइसेस हैं एक्चुअली वही रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर्स हैं इनका अरेंजमेंट हमने करा, ठीक, इन डिवाइसेस का अरेंजमेंट किया तो ये एक सर्किट बन गया। सर्किट क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी होता है, लेकिन जब सर्किट ओपन होगा तब वो काम का नहीं होगा, जब वो क्लोज होगा तभी उसमें बैटरी से करंट सप्लाई किया जा सकता है ना। तो बैटरी का भी केस हम देखेंगे यहाँ पे, बैटरी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का क्या होता है, बैटरी कैसे बनती है एक्चुअली, क्लियर। तो ये सब भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, ठीक है। तो करंट जैसा कि नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है कि करंट, ठीक है, करंट कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज मिलना चाहिए, उसको हम करंट बोलेंगे, ठीक है. व्हेन यू विल हैव कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज देन दिस विल बी करंट. ठीक, तो करंट क्या होती है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये लाइट जो चल रही है, ये कैमरा जो चल रहा है, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, इन सब में करंट, ठीक है. तो करंट और फ्लो ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज एक एनर्जी है, क्लियर, जिसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है ना. जैसे कि आप जानते हो पावर फैन चलने लगता है करंट, ठीक है. करंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्चुअली करंट होता क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है. व्हाट इज करंट, इन सबकी हम बात करने वाले हैं. पहले आप समझ जाओ कि जो कुछ भी है, ये जो इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सब में फ्लो ऑफ चार्ज होगा. ठीक, चार्ज क्या होता है ये आप समझ चुके हो. चार्ज स्टैटिक पे जब होते हैं तब आप उसकी समझ चुके हो क्या 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 इंटरेक्शंस होंगे. अब हम बात करने वाले हैं जब चार्जेस फ्लो करें. ठीक, तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्यों फ्लो करते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं. चार्जेस, कोई चार्ज क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करेगा, बैटरी. चार्जेस को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करेगा, बैटरी करेगी. ठीक है, तो बैटरी जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, ठीक, और चार्जेस जा रहे हैं, तो चार्जेस को हम फ्लो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमको डिवाइसेस चलानी है. डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या है, डिवाइसेस फैन हो गई, क्लियर, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सब डिवाइसेस है. ठीक है, तो इनको चलाना है, इस वजह से हमको फ्लो कराना है चार्जेस को. ठीक, अब जब ये इन डिवाइसेस से करंट फ्लो होगा, जब चार्जेस फ्लो होंगे, क्लियर, जब चार्जेस फ्लो होंगे इन डिवाइसेस से, तब ये डिवाइसेस वर्क करने लगेंगे. ठीक है, तब ये डिवाइसेस वर्क करने लगेंगी. ठीक, तो जो एनर्जी है, जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जब हम बात कर रहे हैं कि फ़ैन की, है ना, तो फ़ैन में मोटर होती है. फ़ैन में क्या होती है, मोटर. मोटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और मोटर मैकेनिकल वर्क करती है. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ये काम मोटर का होता है, क्लियर. इसी तरह से हम डायनमो की भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं. डायनमो क्या करता है, डायनमो में मैकेनिकल एनर्जी जाती है. डायनमो मीन्स जनरेटर, जनरेटर, ओके, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई. इन सब के बारे में बात करेंगे हम बहुत जल्दी, ठीक है. फिलहाल अभी हम अपना डिस्कशन जो है वो करंट के इफेक्ट पे रखेंगे. करंट कैसे जनरेट हुआ इस पे अभी नहीं, ठीक है. करंट कैसे जनरेट हुआ ये आप समझ सकते हो कि एक बैटरी लगाई, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है करंट, हमें चार्जेस को बस फ्लो कराना है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज आप जानते हो ये एक कंडक्टर है. आप इस तरह समझो, ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, क्लियर, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं. कंडक्टर्स आप अच्छे से जानते हो क्या होते हैं, कंडक्टर्स में स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. तो ये इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या अभी इसमें कोई करंट होगा, क्या अभी इस केस में इसमें कोई करंट होगा, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक कंडक्टिंग रॉड है इस तरह से रखी हुई है, तो इस समय कोई करंट नहीं होगा. क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मोशन में होंगे. इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मोशन में होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, क्लियर. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पाथ से, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर हम नेट करंट देखना चाहें, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहें, दैट विल बी जीरो. जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर आए होंगे, क्लियर. जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट में गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में आए होंगे. लेकिन ये कब हो रहा है स्टूडेंट, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया है. समझ पा रहे हो, जब ये एक मेटल रॉड इस तरह से रखी है, उस समय भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में तो हैं, उस समय में भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में तो हैं स्टूडेंट्स, लेकिन रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. बट द कंडीशन इज दिस, दैट द रैंडम मोशन इज जस्ट लाइक दैट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग राइट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग लेफ्ट, क्लियर. इस वजह से अगर हम बात करें नेट करंट की, अगर हम बात करते हैं नेट करंट अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, दिस विल बी जीरो. तो स्टेडी स्टेट पे जो नेट करंट है स्टूडेंट्स वो जीरो है, ठीक. और हम जानते भी हैं कि क्यों जीरो है, क्योंकि ये जो मेटल की सरफेस है इस समय ये सेम पोटेंशियल पे है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है कहीं पे भी. अगर आप यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दो इस तरह से, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एक बैटरी अप्लाई कर दो,
बैटरी क्या होती है? बैटरी मैंने आपको बता रखा है कि बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो काम कैसे करती है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक के, ठीक, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा उसके लिए, फिर हम बैटरी की बात करेंगे, ठीक। तो बैटरी, आप ये जानते हो, बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज एंड ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो ये काम बैटरी करती है आपका। क्या होगा, बैटरी हमने अप्लाई करी वी वोल्ट की, तो क्या होगा? तो होगा कुछ इस तरीके से कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, एज वी ऑल नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लेकिन निगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दिस मोशन इलेक्ट्रॉन इज मूवेबल, एटम इज नॉट, क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवेबल हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एटम एसोसिएटेड है वो मूवेबल नहीं है, जिसको हम कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। इस ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ एसोसिएटेड है, इस एटम को बोलते हैं कर्नल। ये कर्नल्स जो हैं ये फिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कर्नल्स फिक्स होते हैं, ठीक। ये कर्नल्स मोशन में नहीं होते हैं, समझ पा रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल के पास भी जा सकता है और इस इलेक्ट्रॉन के भी कर्नल के पास जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मोशन करते रहते हैं, कभी ये इस कर्नल से फोर्स एग्जर्ट करेगा, कभी दूसरे कर्नल से अट्रैक्ट होगा, कभी तीसरे कर्नल से, कभी इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करते रहते हैं, बट कर्नल्स नहीं मूव करते, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं, क्लियर। वो फिक्स हैं अपनी पोजिशन में क्योंकि वो एटम्स हैं, वो बॉन्डेड हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मोशन में हैं, इस वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, कभी भी एटम्स नहीं मूव करते, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो मूव करेंगे। अब आप जानते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सो इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लो पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम माइनस से दिखाते हैं और हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक। अगर हमने कहा ये पोटेंशियल 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पॉइंट 100 वोल्ट पे होगा और ये जीरो पे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट 50 पे हो जाए एंड दिस विल बी एट -50 वोल्ट, क्लियर। ये भी हो सकता है भाई, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाले जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है दैट इज 100, क्लियर। वो ये भी हो सकता है कि एक +1 हो और दूसरा -99, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 रहेगा, बस ये केस है, ठीक है। सो ये आपने पोटेंशियल लगाया बैटरी से, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेंगे, समझ पा रहे हो? मतलब अब जो है, अब अगर हम इसी पिक्चर को देखें, अब अगर हम इसी पिक्चर को देखते हैं तो इस बार जो मोशन है हर इलेक्ट्रॉन का वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना क्लीन और लीनियर मोशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का सी है समुद्र, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन्स का इतना कंसेंट्रेशन है यहाँ पे कि ये इस तरह से मोशन करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये है नहीं ऐसे, एक्चुअली में यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा होगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन भी कर रहा होगा, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता हुआ भी जाएगा, जिसकी वजह से, उस कोलिजन की वजह से वो कुछ फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से जैसा जैसा स्मूथ मोशन होना चाहिए था उतना स्मूथ मोशन होने नहीं वाला है, है ना। और इसी कोलिजन की वजह से स्टूडेंट्स, इसी कोलिजन की वजह से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स, क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये हीटिंग इफेक्ट क्यों जनरेट होते हैं, रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, तो आप बताओगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सी है कंडक्टर्स में, इस वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन मूव तो करना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ कोलिजन्स वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, मूव करेंगे, लेकिन कोलिजन भी होगा,
कोलिजन भी होगा, मूव भी कर रहे हैं, तो इस वजह से करंट भी होगी और फ्लो ऑफ चार्ज भी होगा, और साथ में ही यहाँ पे कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होगा। इसी वजह से स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, यू कैन से प्रेस, ठीक है, जो मशीन होती है आयरन, क्लियर, वो भी एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। उसमें जो हीटिंग होती है वो इसी करंट की वजह से होती है ना, एज वी ऑल नो। हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, वी कैन से इलेक्ट्रिक हीटर भी इसी का एक एग्जांपल है ना, जिसमें जो हीटिंग होती है वो करंट की वजह से होती है, क्लियर। इमर्शन रॉड, वी कैन से सर्दियों में लोग यूज करते हैं फॉर हीटिंग द वाटर, क्लियर, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो वो हीटिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करना चाहते हैं लेकिन वो इतने फ्री नहीं है, वो मोशन इतना स्मूथ नहीं होगा, क्लियर, तो स्मूथ नहीं होगा, इस वजह से कोलिजन होगा, कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी होंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पे तो आ जाएंगे, आ गए इस पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। अब क्या होगा, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जिस तरीके से इस पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी पॉजिटिव चार्ज को यहां पे ट्रांसफर करती है और नेगेटिव चार्ज को यहां पे ट्रांसफर करेगी, क्लियर। बैटरी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ट्रांसफर करती है, या फिर यूं समझ लो कि नेगेटिव चार्ज को हाई से लो पोटेंशियल में ट्रांसफर करती है, दोनों एक ही बात है ना। तो स्टूडेंट्स बैटरी इसमें करेगी कुछ वर्क, बैटरी क्या करेगी, कुछ वर्क करेगी, ठीक। तो बैटरी इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ वर्क करेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये फिर से इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। बैटरी इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी, क्लियर, और ये इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप ये समझ लो कि बैटरी एक पॉजिटिव चार्ज उठा के यहां से, एक पॉजिटिव चार्ज उठा के, मतलब प्लस ई उठा के, प्लस ई को उठा के यहां से यहां पे रख देगी, ठीक। और इसमें जो बैटरी वर्क करेगी स्टूडेंट्स वो होगा W Q, Q फॉर चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज, एंड W will be equal to Q डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। वर्क डन ऑन अ चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, दैट द चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, सिंपल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से ये बैटरी इस चार्ज पार्टिकल पे वर्क करेगी, और हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां रख देगी, या फिर एक नेगेटिव चार्ज को उठा के बैटरी इस तरह से यहां रख देगी। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आया था और बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर रख दिया, बैटरी ने वर्क किया होगा, बैटरी ने एक वर्क किया होगा, जो सेल होती है एक्चुअली, सेल ने एक वर्क कर दिया। अब उस वर्क की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन फिर से लो पोटेंशियल पे आ चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा, फिर से ये मेटल में आएगा और फिर से वापस, समझ पा रहे हो। तो ये हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहीं लॉस हुआ, एट द एंड अगर हम बात करें तो मेटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इनिशियली थे, एट द एंड अगर हम बात करें तो मेटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इनिशियली थे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि बस वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, उस फ्लो से क्या होगा, उस फ्लो से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होंगे, एनर्जी जनरेट होगी, क्लियर, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे, समझ पा रहे हो, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। चलिए बताइए, जब बैटरी ने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब बैटरी ने यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट का, मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस विल बी 100 वोल्ट, क्लियर। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये 50 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल -50 वोल्ट है, क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये वाला केस चलिए मान लेते हैं, मान लिया कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ का अगर 50 वोल्ट है तो कुछ दूर पे 49 वोल्ट होगा, 48 वोल्ट होगा, 46 वोल्ट होगा, 47 वोल्ट होगा, 45 वोल्ट होगा, 44 वोल्ट होगा, इस तरह से कम होते 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 ये 0 वोल्ट होगा कहीं पे, फिर
1, 2, 3, 4, 5 से लेके ये 50 वोल्ट तक, -50 वोल्ट तक हो जाएगा, -1, -2, -3, -5, -50 वोल्ट, क्लियर। अगर ये 100 होता देन दिस विल बी 100, 50, 40, 30, 20 एंड 0, क्लियर। तो इस तरह से मतलब मेरा बताने का ये है कि स्टूडेंट देखिए फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कि अगर आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरे मेटल में पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर होगा। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन मूव ना करता। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। और बैटरी लगाने से ये नहीं होगा कि सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 हो गया और इस पॉइंट का 0 हो गया, ना, कॉन्टीन्यूसली पोटेंशियल डिक्रीज करता हुआ जाएगा दूसरे टर्मिनल तक, समझ पा रहे हो, कॉन्टीन्यूसली पोटेंशियल दूसरे टर्मिनल तक डिक्रीज करता हुआ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी। अब बैटरी क्या होती है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब अभी हम बात करेंगे, इस चैप्टर में बैटरी की बहुत बात होनी है, क्लियर। तो फिलहाल बैटरी के बारे में ये समझो कि बैटरी ने आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, ये निगेटिव बैटरी क्या कर रही है, बैटरी जो है वो पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके आएगी। अब ये कैसे करती है, ये बैटरी की प्रॉपर्टी है। बैटरी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझो, वही होती है एक्चुअली, उसी को बैटरी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग क्या होती है, एक बार जरा आप केमिस्ट्री में ये पढ़ दो, आपको बैटरी समझ में आ जाएगी, नहीं तो मैं तो डिस्कस करूंगा ही, क्लियर। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी सिंपली पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में रख देती है, क्लियर। बैटरी सिंपली पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले आती है, और फिर ये चार्ज इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रांसफर करेगा, और निगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि ये बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा है कि निगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो आप कहोगे भाई यहाँ पे मेटल है इस वजह से ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने पूछ दिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट का आंसर ये है कि करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वही डायरेक्शन आपकी करंट की हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। सो द करंट विल बी इन दैट डायरेक्शन वेयर द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हमसे पूछा गया करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, बस। करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मतलब कि अगर आपसे ये कह दिया जाए ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और ये आपका दो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, चलिए बताइए, पहले वाले केस में जो वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी और दूसरे वाले केस में जो वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट साफ है, बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों ने आंसर लिख भी दिया है, ठीक। तो चलिए लिख देते हैं हम भी। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी, क्लियर, बिकॉज करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा, क्लियर। और ये क्योंकि प्रोटॉन है तो करंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, क्लियर। मींस करंट जो है ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन वन ये है, क्वेश्चन टू विल बी दिस, इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी। So, is current a vector quantity? तो आपका आंसर यह है नो। वाई?
करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, चलिए इसको समझ लेते हैं बहुत जल्दी। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है इसको समझते हैं। आप सिंपली ये फिगर देखिए, वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका रीजन मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं। आप ये समझिए कि भाई करंट एक यूं आ रही है और एक इस वायर से करंट आ रही है, क्लियर, और ये जो है आपकी एक वायर है, दूसरा वायर, क्लियर। दिस विल बी योर आई वन, दिस विल बी योर आई टू एंड दिस विल बी योर आई थ्री। चलिए किरचॉफ्स लॉ लगाइए, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और वी कैन से किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन। इधर से क्यू चार्ज आया, इधर से क्यू चार्ज आया, क्यू वन चार्ज आया, इधर से क्यू टू चार्ज आया, अगर जा रहा है क्यू थ्री, इसका मतलब क्या है, आने वाला चार्ज बराबर जाने वाला चार्ज, मतलब कि क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री हो जाता है। उसी तरीके से ये भाई चार्ज ही तो आ रहा है, आई क्या है, आई इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक। तो भाई एक सेकेंड में आई वन चार्ज आया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करेंट, तो I1 चार्ज आया एक सेकेंड में, I2 चार्ज आया एक सेकेंड में इस वायर से और इस वायर से, I3 चार्ज जा रहा है एक सेकेंड में, क्लियर। तो जो चार्ज जो हम यहां पे I1, I2, I3 में रिलेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, क्लियर। मींस दिस विल बी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, दिस विल बी योर रिलेशन, क्लियर है। मीन्स सिंपली आप समझ जाओ कि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो कर रहा है, करंट आपका वेक्टर एडिशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो। अगर वेक्टर एडिशन होता तो हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन की तरीके करते, इसे इस तरीके से ना करते, या फिर हम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करते, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप चाहे इस वायर को ऐसा बना दो, चाहे आप इस वायर को इस तरीके से बना दो, किसी भी तरीके से बना दो, लेकिन जो आने वाली करंट है वो हमेशा जाने वाली करंट के बराबर ही होगी। चाहे इस वायर को ऐसा बनाओ, चाहे इस वायर को ऐसा बनाओ, चाहे ऐसा बनाओ, कैसा भी बना दो इस वायर को, ठीक है, हर केस में I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। तो क्या करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है? लेकिन अगर आप यहीं पे दो फोर्सेस बना दो, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, क्लियर, और आपको ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा और उसका मैग्नीट्यूड 5√2 हो जाएगा, ये आप जानते हो, उसका मैग्नीट्यूड 5√2 हो जाएगा, ये आपको जानते हो, ये वेक्टर एडिशन का लॉ है, क्लियर। अब ये डिपेंड कर रहा है इनके बीच में एंगल क्या है, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है। अगर ये मैं तब बता रहा हूँ, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, क्लियर, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए का मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, करंट के केस में हमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। ये पहली ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैं डायरेक्शन की जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन की बात करने के बाद भी, ठीक। तो ये डायरेक्शन की बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये डायरेक्शन की बात इसलिए सिर्फ हो रही है क्योंकि करंट जो है ये वायर में फ्लो हो रहा है। अब वायर में फ्लो हो रहा है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक। तो ये डायरेक्शन जो है ये वो डायरेक्शन नहीं है, क्लियर है, ये डायरेक्शन जो है ये वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन सिर्फ इस वजह से क्योंकि करंट एक वायर में फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्लियर। इसी तरीके से जब पानी, अगर मान लीजिए एक वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वाटर फ्लो हो रहा है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, वो भी उसका जो फ्लो है उसको भी हम नहीं कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम क्या बोलेंगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, क्लियर। क्योंकि हमें बताना पड़ेगा वाटर पाइप में फ्लो हो रहा है लेकिन लेफ्ट टू राइट हो रहा है कि राइट टू लेफ्ट हो रहा है, ये बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी तरह से हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो तो होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हीट जो है वो एक रॉड में फ्लो हो रही है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है। अब हमें ये बताना पड़ेगा इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है कि वो लेफ्ट टू राइट हो रही है कि राइट टू लेफ्ट हो रही है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हीट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो हीट स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
लेकिन इस करंट के साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, इस करंट के साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं जरा, ठीक है, करंट डेंसिटी की भी हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है, पहले ये समझ लीजिए जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट डाउन करनी है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। व्हाट इज करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक, मतलब अगर हम ये बोल दें कि भैया एक सेकंड में यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? Q is equal to Ne, as we all know, ठीक? तो Ne, 100E का जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर कर चुका है कितने टाइम में? एक सेकंड में। मींस 100E कूलॉम का चार्ज ट्रांसफर कर चुका है, मींस एक सेकंड में, मींस दिस विल बी करंट। चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज करंट, और रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। सिंपली द डेफिनेशन ऑफ करंट, एक लाइन की डेफिनेशन है। उसकी यूनिट जो होती है करंट की, एम्पियर होती है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ करंट। और अगर हम फॉर्मूले में लिखें, अगर मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, तो अगर इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हो गया, फिर से सुनिए, अगर इस क्रॉस सेक्शन से, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हो गया है, नेट चार्ज ट्रांसफर, मींस अगर 10 इलेक्ट्रॉन उधर गए 5 इधर आए, मतलब नेट चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन उधर राइट साइड। फिर से सुनिए, 10 इलेक्ट्रॉन राइट में ट्रांसफर हुए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ट्रांसफर हुए हैं, तो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन राइट। सो दिस विल बी द नेट चार्ज ट्रांसफर, दिस विल बी योर डेल्टा क्यू। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय दिस टाइम डेल्टा टी, सीधी बात है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो 1 सेकंड में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक, तो वही है, कूलॉम पर सेकंड भी बोल सकते हैं या फिर एम्पियर भी यूनिट बोल सकते हैं। सो आई एवरेज, दिस इज एवरेज करंट। एवरेज करंट का क्या मतलब है भाई? करंट जो है ये टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। तो जब हम एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, तो हम सीधे नेट चेंज इन चार्ज, नेट चार्ज ट्रांसफर डिवाइड बाय नेट टाइम टेकन। जिस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? नेट चेंज इन पोजिशन और नेट डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं एवरेज करंट की। एवरेज करंट इज सिंपली नेट चार्ज ट्रांसफर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जब हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, देन इट विल बी डी क्यू बाय डी टी। मीन्स अब हम लिमिट लगा रहे हैं, दिस डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दिस डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन दिस विल बी योर इंस्टेंटेनियस करंट। आई आई ऑफ आई एन एस टी का मतलब है आई करंट इंस्टेंटेनियस। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस करंट जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल बी डी एस बाय डी टी, दैट विल बी डी एस बाय डी टी। तो वहीं से ये भी आया है, इंस्टेंटेनियस करंट विल बी डी क्यू बाय डी टी। अगर क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स मान लीजिए आपको क्यू टी स्क्वायर दे दिया गया। टी स्क्वायर का क्या मतलब है? इस क्रॉस सेक्शन जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, टी स्क्वायर टाइम्स। मतलब अगर टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात करें, तो 1 कूलॉम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, टी इक्वल टू 2 की बात करें, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? तो फिर ये 4 कूलॉम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह से चार्ज वेरी कर रहा है अगर टाइम के साथ, देन करंट विल बी डी क्यू बाई डी टी। मीन्स टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब आप जिस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हो वो टाइम पुट कर दो, आपको करंट मिल जाएगा, है ना। ऐसा हमने बहुत बार किया है काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वगैरह निकालने के लिए। ये 11th की चीज है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सिंपल। ठीक, तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक, डी क्यू बाय डी टी। पर्टिकुलर टाइम पे ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी, पर्टिकुलर टाइम पे। आई इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब अगर कहा गया टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी करंट होगी इस क्रॉस सेक्शन से, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे डी क्यू बाय डी टी, जहां पे क्यू टी स्क्वायर है, 2t आएगा। अब टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको चाहिए, तो टी की जगह 2 रख दो। क्लियर है? तो ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी इस क्रॉस सेक्शन से, इंस्टेंटेनियस करंट एक पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन एवरेज करंट क्या होती है? एवरेज करंट ये होती है कि भाई टोटल टाइम में आपने देख लिया कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया है और उसको डिवाइड कर दिया, दिस विल बी योर एवरेज करंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर यहां से आप dt को इधर ले आओ, सो दिस विल बी dq, और dq का इंटीग्रेशन हो जाता है टोटल चार्ज ट्रांसफर, दिस विल बी टोटल चार्ज ट्रांसफर, वी कैन से डेल्टा क्यू।
ठीक है, टोटल चार्ज ट्रांसफर डेल्टा क्यू, दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, या फिर इसको आप सिंपली क्यू भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज ट्रांसफर, तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस विल बी योर होल कंसेप्ट ऑफ करंट. तो करंट फ्लो होने का रीजन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी. क्लियर? इस वजह से चार्ज फ्लो होते हैं, इस वजह से करंट फ्लो होते हैं. जब चार्ज और करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं जिसका यूज हम करते हैं, जिसका यूज करके हम एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट. नाउ वी आर मूविंग टू द करंट डेंसिटी, द कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस स्केलर क्वांटिटी के साथ एक एसोसिएटेड वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. ठीक, तो करंट डेंसिटी के बारे में समझते हैं जरा, ये करंट डेंसिटी क्या है. तो करंट डेंसिटी, जैसा कि नाम से क्लियर है, करंट पर यूनिट एरिया. क्लियर? करंट पर यूनिट एरिया. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका ये एक वायर है, ये एक वायर है, और इससे जो करंट है स्टूडेंट्स, इससे जो करंट है वो इस तरह से राइटवर्ड है, राइटवर्ड इसमें करंट है. क्लियर? तो आई करंट है, और आई के साथ एक एसोसिएटेड करंट डेंसिटी वेक्टर होगा, करंट डेंसिटी वेक्टर होगा. क्लियर? जे, जे से करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं. तो ये जे जो है, दिस विल बी द करंट, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ दिस वायर. क्लियर? एरिया ऑफ दिस वायर, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, मीन्स परपेंडिकुलर एरिया होगा करंट के डायरेक्शन में, और वो ए है, वो यहां पे ए है. सो दिस विल बी आई बाय ए, दिस विल बी योर करंट डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जरा एक और तरीके से समझते हैं कि करंट डेंसिटी एक्चुअली है क्या. ठीक, एक और डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की, दैट इज अगर करंट डेंसिटी एक वेक्टर है करंट के डायरेक्शन में, दिस इज द करंट पर यूनिट एरिया, और दूसरा वेक्टर आप जानते हो एरिया वेक्टर है, तो करंट को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी के टर्म में. क्लियर? यहां से आप समझ सकते हो, दिस करंट विल बी इक्वल टू, दिस करंट आई विल बी इक्वल टू जे इंटू ए परपेंडिकुलर. सो दिस करंट आई विल बी इक्वल टू जे इंटू ए परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट द करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक. अच्छा, आप ये देखो, जरूरी नहीं कि एरिया जो करंट है वो एरिया की ही डायरेक्शन में हो, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई करंट जो है वो तो उस डायरेक्शन में होगा ना जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा. समझ पा रहे? मतलब कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से फ्लो हो रहा है क्योंकि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली स्टूडेंट्स, वो इस डायरेक्शन में है. पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में, ये वी वोल्ट का है तो ये जीरो वोल्ट का है. क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस डायरेक्शन में, इस वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस किसी और डायरेक्शन में अप्लाई किया होता तो शायद करंट किसी और डायरेक्शन में होता. समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो करंट तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वायर में करंट जो है वो वायर के अलॉन्ग होता है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन करंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी भी चीज का हो सकता है, स्फीयर का हो सकता है, वायर का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और इस तरीके से इसमें करंट जा रही है एट एन एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर. ये एक एरिया है पर्टिकुलर, और जैसा कि आपको मैंने बताया था, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस साइड से, तो एरिया जो है वो हमें इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. क्लियर? समझ पा रहे हो ना? बहुत सिंपल चीज है. क्लियर? एकदम सिंपल है, और ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं फ्लक्स में. ठीक, तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड है, और करंट जो है वो एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द एरिया इस तरह से जा रहा है, ये आई. क्लियर? और आई की डायरेक्शन में एसोसिएटेड जे वेक्टर भी होगा, विच इज करंट डेंसिटी. तो करंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया, डियर स्टूडेंट, दैट करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर थ्रू विच द करंट इज पासिंग. क्लियर? तो जे डॉट ए, वेयर दिस विल बी मॉड जे मॉड ए कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द एरिया वेक्टर, और वी कैन से दैट द करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर. क्लियर? और हम जानते हैं इस एरिया वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट कर दें तो ये साइन थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर आएगा दैट विल बी ए कॉस थीटा, और इसका जो एरिया होगा वो इस तरीके से होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब अब आप समझ चुके होंगे, मतलब ये है कि हमें जो एरिया लेना है वो जे के साथ ए परपेंडिकुलर वाला लेना है. द एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. क्लियर? मींस जो करंट डेंसिटी है, दिस विल बी करंट पर यूनिट एरिया, बट द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. क्लियर? ऐसा ये सिर्फ आपको इसलिए मैं बता रहा हूं,
आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा जो है करंट जो है जनरली आपका परपेंडिकुलर टू द एरिया ही होगा, क्योंकि हर केस में हम वायर की बात करेंगे और वायर के करंट जो है वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो होता है। लेकिन हमने इसकी बात क्यों करी, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और इस स्केलर क्वांटिटी के साथ एक एसोसिएटेड वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया और करंट डेंसिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज दिस विल बी मेड अप ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच विल बी स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस स्केलर प्रोडक्ट से ये करंट आ जाता है अपना, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी एंड ए इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं ओम्स लॉ की तरफ कि भाई करंट फ्लो तो हो रहा है, लेकिन करंट क्यों फ्लो हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करें, वेरी करें, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं। ठीक, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इफेक्ट होता है, बल्कि समझ लो ना, लेकिन इस केस में हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। ओके, आज के डिस्कशन में कंडक्टर्स की बात, आज के नहीं पूरे डिस्कशन में इलेक्ट्रिसिटी की हम कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्विच वाजपेयी इन फ्रंट ऑफ यू, क्लियर, एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम 60। सो स्टूडेंट्स, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। ठीक, और इसमें अभी हमने बात कर ली थी कि भाई जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तब उस समय इलेक्ट्रॉन्स में के बीच में कॉलिजन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उसका हीटिंग इफेक्ट भी आ जाता है। क्लियर, ये हमने बात करी थी और हमने ये देखा था कि भाई चार्ज क्यों फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने बात करी थी करंट, दैट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। फिर हमने बात करी थी करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया, एन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक, तो जैसा कि हमने बात करी थी कि भाई चार्ज जो है फ्लो करता है वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है। ठीक, अगर एक वायर है और उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस आपने पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, एट द एंड ऑफ द वायर यू हैव अप्लाइड अ बैटरी, इसका मतलब आपने वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इसका मतलब वायर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 100 है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 है। इसका ये मतलब नहीं है, मान लीजिए वायर है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 होगा, इसका 0 होगा और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 पोटेंशियल है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होगा। ग्रेजुअली डिक्रीमेंट का ये मतलब है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक डिस्क्रीट डिफरेंस नहीं होगा, एकदम सडन डिफरेंस नहीं होगा, दिस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और एक और चीज कि अगर मैंने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 100 वोल्ट पे हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे हो जाएगा, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है वो 100 है, मे बी दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी -50। क्लियर, सो इस तरह से समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है 100। ठीक है, पोटेंशियल किसी पॉइंट का तब तक हम नहीं बता सकते किसी भी सर्किट में जब तक किसी पॉइंट का, किसी एक फिक्स पॉइंट का पोटेंशियल हमें सर्किट में दिया ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्किट है और उसमें किसी पॉइंट पे हमने अर्थिंग कर दी, तब हम उस अर्थिंग की वजह से उस पॉइंट का, अर्थिंग मीन्स अर्थिंग और ग्राउंडिंग मीन्स एज वी ऑल नो दैट कनेक्टिंग द थिंग टू द अर्थ। तो जब अर्थिंग कर दी तो इसका मतलब जो अर्थ का पोटेंशियल है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर, तो इस वजह से उस पॉइंट का भी जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 0 इटसेल्फ। ठीक, तो वो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जब वो पोटेंशियल 0 हो चुका है, तब हम सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, जैसा कि मैंने कैपेसिटर में भी आपको एग्जांपल दिए थे। ठीक, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल ए होता है, एक पॉइंट का पोटेंशियल बी होता है, और हमने कहा था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जब हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसका मतलब अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता हो तो हम दूसरे का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा जो मैंने किरचॉफ्स लॉ यूज किए थे, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ्स वी कैन से लूप ऑफ जंक्शन रूल। क्लियर, किरचॉफ्स जंक्शन रूल फर्स्ट एंड किरचॉफ्स लूप रूल सेकंड, इन दोनों को यूज करके हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन अभी उसके पहले हमें एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भाई ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, इसका मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप ये समझिए, इसको ओम्स लॉ ने बताया। पहली चीज तो ये बताई कि भाई अगर कोई वायर है, पहली चीज ये आप जानते हो कि ये वायर है अगर, और इस वायर में स्टूडेंट्स चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये आपने इस तरह से एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक बैटरी लगा रखी है इस तरह से एक्सटर्नल। क्लियर? इस बैटरी का पोटेंशियल कुछ वी होगा, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी। क्लियर? मतलब कि इस वायर में जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया दैट इज वी वोल्ट। क्लियर? अच्छा, अब आप ये समझिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी आई, करंट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस तरह से करंट ट्रांसफर होगा, करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, एज वी ऑल नो करंट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगी, और इस करंट और इस पोटेंशियल की डिपेंडेंसी अगर हम चेक करें, तो जैसे अगर हम बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करें, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है स्टूडेंट्स, अगर वो हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़नी चाहिए। क्यों भाई? बैटरी ज्यादा वोल्ट की लगाई, अब बैटरी ज्यादा वर्क कर सकती है चार्ज पे, इसका मतलब बैटरी ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर सकती है, बैटरी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी डी बाई डी एक्स, और वी कैन से के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ठीक, तो वहां आप समझ रहे हो कि भाई जब टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट भी चेंज कर जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट चेंज कर जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी चेंज कर जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट चेंज कर जाएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हीट है, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंक्रीज कर जाता है। तो उसी तरीके से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? मीन्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई जो करंट है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का फंक्शन तो होगा, पोटेंशियल पे करंट डिपेंड कर रहा है। अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये बात आपको ओम्स लॉ ने बताई है। तो जरा ओम्स लॉ को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है ये, बहुत ही सिंपल है। द स्टेटमेंट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर, पहली चीज ने कंडक्टर के बारे में बोला है, ठीक है, इन एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स, ठीक है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर मीन्स इस कंडक्टर पे जो टेम्परेचर है, इसकी लेंथ जो है, इसका एरिया जो है, ये सब अगर आपने फिक्स रखा है, ठीक है, ये तीन चार चीजें आपने फिक्स रखी हैं, तो इसका मटेरियल फिक्स रखा है, तो क्या होगा, इसमें जो करंट ट्रेवल हो रही है वो भी आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है भाई, आई जो है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट विल बी 1 बाय आर कॉन्स्टेंट आ जाता है। क्लियर? तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, ध्यान रहे V is the potential difference across the ends of a conductor of wire and I is the current in the wire where R is a constant known as resistance of the wire. This R is known as resistance of wire. Clear student? I hope that it is very much clear to you. ठीक है? तो ये जो resistance है, क्या ये potential difference पे depend करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। Current पे depend करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे constant की तरीके आया है। जब भी इस तरह से proportionality का sign हटा के जो constant आता है, उसकी एक property जरूर याद रखिएगा। वो constant ना इस पे depend करेगा, ना इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर? वो जो कांस्टेंट है, एक्चुअली उसको का ही कांस्टेंट जा रहा है, इसका मतलब है वो ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ना ही करंट पे डिपेंड करेगा, वो कांस्टेंट किसी और चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, इसको समझते हैं। दिस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज सिंपली द रेजिस्टेंस
फील बाय इलेक्ट्रॉन. द रेजिस्टेंस फील बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉलिजन्स बिटवीन देम बिकॉज ऑफ मोशन. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस जो है वायर का, आर इज नोन एज कॉन्स्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ वायर. दिस रेजिस्टेंस मीन्स टू रेजिस्ट समथिंग. किस चीज को रेजिस्ट कर रहा है ये रेजिस्टेंस? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो क्योंकि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्लियर आर देयर. सो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये फ्लो होते समय एक दूसरे से कोलाइड भी करते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते जाएंगे, कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हीट एनर्जी डेवलप होगी, क्लियर? वो जो हीट एनर्जी डेवलप होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रेजिस्ट हो रहे हैं, फ्लो होने से रेजिस्ट हो रहे हैं, क्लियर? क्यों रेजिस्ट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स रेजिस्ट हो रहे हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो उतना स्मूथ है नहीं जितना होना चाहिए था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथ नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है. कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस. क्यों जनरेट हो रहा है ये रेजिस्टेंस? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ वायर द रेजिस्टेंस फील बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन बिटवीन देम बिकॉज ऑफ द मोशन, क्लियर? बिकॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगे एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, तो जब वो मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, उस कोलिजन की वजह से वो एक रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, ठीक है? एक रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं मोशन में. वही रेजिस्टेंस जो है वो आपका आर से डिनोट किया जा रहा है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अब ये रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे, जो करंट पे जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे रेजिस्टेंस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पा रहे हैं, मतलब चार्ज नहीं फ्लो कर पा रहे हैं, इसका मतलब करंट जो है वो कम हो सकता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? करंट जो है वो कम हो सकता है. वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, इसका मतलब वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि जो वायर है वो करंट को आसानी से नहीं ट्रांसफर होने देगा. इसका मतलब करंट अपने आप कम हो जाएगा. एज वी ऑल नो, आई जो है ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मान लीजिए दो मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अब इसकी बात करेंगे. रेजिस्टेंस की बात अभी काफी करनी है, टेंशन ना लो, ठीक. पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है आपका, ठीक, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, अभी ये समझ लो. तो दो मेटल है, ठीक है, एक गोल्ड है और एक आयरन है, ठीक. एक गोल्ड का वायर है और एक आयरन का वायर है. तो जैसा कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है ये मेटल पे भी डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक. तो गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है और आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट किस में ज्यादा होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो स्टूडेंट्स, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो है वो गोल्ड में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है और आयरन में कम होगा करंट, क्लियर? तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस अपना डिपेंड किस किस चीज पे करता है, ठीक. तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेट अस सी. तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर. Also, temperature of the wire. तो स्टूडेंट्स, इन चार चीजों पे आपका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डिपेंड करता है, और किसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा. बस ये चार चीज जो है ये बताती है कि वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? अगर टेम्परेचर एक वायर हमने फिक्स कर दिया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है, ठीक. तो इस प्रॉपर्टी को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले समझ लेते हैं कि भाई लेंथ, एरिया और मटेरियल पे रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है? तो लेट अस सी.
तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप खुद सोच सकते हो, अगर एक वायर है आपके पास, ठीक, और आपने उस वायर की लेंथ इंक्रीज कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस वायर का? इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन को पूरे वायर को क्रॉस करने पे ज्यादा कोलिजन फील होंगे, ज्यादा कोलिजन हो जाएंगे। मीन्स अगर इतने से वायर में मान लीजिए एक्स कोलिजन हो रहे थे, तो अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो इलेक्ट्रॉन को पूरे वायर को क्रॉस करने में कोलिजन अब 2x, 3x या फिर मल्टीपल ऑफ x में हो जाएंगे। ठीक, इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पहला ये रिजल्ट है अपना, ठीक, ये बता रहा है रेजिस्टेंस लेंथ की वायर की लेंथ पे रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब आप ये सोचो कि अगर ये वायर है हमारा और इसका हमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है अब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में, अब इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने में, वायर को क्रॉस करने में, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो कोलिजन सब कम होंगे, क्योंकि एरिया जब बढ़ जाता है स्टूडेंट्स तो खाली जगह ज्यादा होगी। ठीक, अब कोलिजन कम हो जाएंगे, समझ पा रहे हो? पहले एरिया इतना था, ठीक है, अब एरिया हमने इसका डबल कर दिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल करने से क्या हुआ, अब करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? सिंपल है। आगे बात करते हैं। Resistance is directly proportional to the length of the wire. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. अब material of wire की बात करते हैं, ठीक? तो material of wire के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को combine करेंगे, ठीक? R is directly proportional to L by A. Clear? R is directly proportional to L by A. अब यहाँ से ये proportionality का sign हटेगा और एक और constant आएगा, ठीक? R जो है ये हटेगा और एक और कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी रो एल बाय ए। दिस रो इज कांस्टेंट, दिस रो इज डिपेंडेंट ऑन ओनली द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक, दिस रो इज डिपेंडेंट ऑन ओनली द मटेरियल ऑफ द वायर, रो विच इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, द मटेरियल ऑफ वायर, दिस रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आर जो है वो आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। वेयर मटेरियल को कौन बता रहा है? मटेरियल आप रो से दिखा सकते हो, रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। क्लियर? अगर आपको इस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बतानी हो तो आप क्या बताओगे? आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन यहां से देखो कि अगर आप a को 1 कर दो, इफ a विल बी इक्वल्स टू 1, बोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इफ a विल बी इक्वल्स टू 1, l विल बी इक्वल्स टू 1, देन रो इज इक्वल टू r। इट मींस दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अप्लाइड प्रोड्यूस्ड by a wire of unit length and unit cross section area. Clear? A wire of unit length and unit cross section area of that material. Clear? Means अगर आपको gold की resistivity को बताना हो तो आप क्या करोगे? Gold की 1 unit length की और 1 unit cross sectional area की आप एक wire ले लोगे, उस wire का जो resistance होगा that will be your resistivity. ठीक है? तो रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। अगर हम मटेरियल को अरेंज करें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी गोल्ड की होती है, गोल्ड की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मीन्स अगर वो कंडक्ट कर रहा है करंट को अच्छे से, चार्जेस को कंडक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक, गोल्ड से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है आपकी सिल्वर की। क्लियर? सिल्वर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है आपकी कॉपर की, कॉपर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है आपकी आयरन की, Fe। क्लियर? ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आप याद रख सकते हो कि भाई जितना प्रीशियस उतना कम रेजिस्टिविटी, जितना प्रीशियस मेटल उतनी कम रेजिस्टिविटी हो जाती है, प्लेटिनम की और कम होती है। ठीक है, ये देखा गया, ये डाटा नेट से लिया गया। क्लियर? कि भाई गोल्ड की रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम होती है,
आयरन की सिल्वर की उससे ज़्यादा होती है, कॉपर की उससे ज़्यादा होती है, आयरन की सबसे ज़्यादा होती है, प्लेटिनम की उससे भी कम होती है, ठीक है। तो ये होती है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है एक्चुअली, ठीक है। तो हम इसको इसका इसकी वैल्यू हमें दी जाएगी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, समझ लो, याद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, क्लियर। तो अब अगर हम बताएं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अप्लाइड, दैट इज ऑफ द वायर, ठीक, विच फील्स द इलेक्ट्रॉन टू आर रेजिस्टेंस टू द फ्लो, ठीक, विच फील्स आर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है वायर की, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो होते समय वो एक रेजिस्टेंस अपने फ्लो में एक रेजिस्टेंस फील करता है, एक बैक मोशन फील करता है, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर रेजिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बताएं तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप V इक्वल टू IR से लिख सकते हो, दैट V इज इक्वल टू IR मींस R इज इक्वल टू V बाय I मींस दिस इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द करंट टू बी यूनिटी। इस तरीके से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। करंट रेजिस्टेंस की यूनिट की हम बात कर लेते हैं जरा, तो रेजिस्टेंस की स्टूडेंट्स यूनिट क्या हो जाती है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ओम। ओम की एक यूनिट होती है क्योंकि ये ओम्स लॉ से डिफाइंड है, हेंस द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ओम, और ओम लिखा इस तरह से जाता है, ठीक, और बनाया इस तरह से जाता है, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओम, क्लियर, एंड वन ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। अब आप स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई आपके पास एक वायर है और आपने इस वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ जो है ये एन टाइम्स कर दी, कितने टाइम्स कर दी, एन टाइम्स, कैसे करी, स्ट्रेच करके, स्ट्रेच करते समय आपने इसको कस के खींचा और इसकी लेंथ जो है वो एन टाइम्स हो गई, ये ठीक वैसे ही जैसे कि आपने एक रबर के थ्रेड को एक्सटेंड किया, क्लियर। तो आपने उसी तरीके से इस वायर को स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ जो है ये एन टाइम्स हो गई जो इसकी इनिशियल लेंथ थी। तो आप ये बताओ कि वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायर का फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। योर क्वेश्चन इज, आई होप कि आपने ये सब नोट कर रखा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला अपना ये है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, क्लियर। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ एन टाइम्स द इनिशियल लेंथ, द इनिशियल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि अगर भाई एक वायर है, आपने उसको स्ट्रेच करके एन टाइम्स लेंथ कवर कर दिया, उसकी इनिशियल लेंथ का एन टाइम्स कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड दिस। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो आपके पास एक वायर है, लेट द लेंथ बी एल ऑफ द वायर, तो वायर की लेंथ हमने मान ली स्टूडेंट्स, दैट विल बी एल, इनिशियल लेंथ वायर की एल है, ठीक, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, ठीक। तो ये आपकी लेंथ, थोड़ा और क्लियर फिगर बना देते हैं इसका, रुक जाइए। सो दिस विल बी योर वायर, थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो भाई ये आपका वायर था, ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर, और लेंथ इसकी एल है। अब अगर आपने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तो इसकी सिर्फ लेंथ पे असर नहीं आएगा, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी असर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो याद रखिएगा,
वायर को स्ट्रेच करते समय इसका मास कांस्टेंट है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी कांस्टेंट, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो जो वायर है वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसका एरिया भी अब ए नहीं रहेगा, वो ए डैश हो जाएगा, क्लियर। और जो लेंथ है वो एन टाइम्स एल हो जाएगी, लेंथ विल बी एन एल, क्लियर। तो अब आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो लेट द रेजिस्टेंस बी आर, इनिशियल रेजिस्टेंस आर था जो कि रो टाइम्स एल बाय ए था, ठीक, रो टाइम्स एल बाय ए, वेयर एल इज द लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द इनिशियल एरिया ऑफ द वायर, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, क्लियर। अब हम निकाल देते हैं आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश विल बी रो, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, रेजिस्टिविटी आपकी वही रहेगी, L, L तो N L हो जाएगा, क्लियर, डिवाइड बाय A, A विल बी A डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता करना है ये A डैश क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कंसेप्ट यही है जो मैंने बता दिया, हिंट मैंने दे रखी है कि भाई वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम रही होगी भाई फाइनल वॉल्यूम हो गई होगी। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, द इनिशियल वॉल्यूम विल बी A into L, दिस विल बी फाइनल वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, ठीक, फाइनल वॉल्यूम विल बी ए डैश इनटू एन एल, क्लियर। सो दिस ए डैश विल बी इक्वल्स टू, ए डैश विल बी इक्वल टू ए बाय एन स्टूडेंट्स, मतलब एरिया जो है वो एन टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, अगर लेंथ एल टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो एरिया एन टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, वन बाय एन टाइम्स हो जाएगा एरिया, क्लियर। तो ए डैश विल बी सिंपली, ए डैश विल बी सिंपली, दिस विल बी रो, दिस विल बी एन रो एल डिवाइड बाय ए डैश को हम लिख दें ए बाय एन, दिस विल बी ए, एन ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर, ठीक। कोई समस्या नहीं इसमें। अब आप समझिए कि ये रो एल बाय ए जो है ये आर ही तो लिखा है, सो दिस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स आर, क्लियर। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, मतलब अगर इनिशियल लेंथ एल थी और अब आपने लेंथ स्ट्रेच करके एन एल टाइम्स कर दिए, तो स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस है वो आपका एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स, मतलब अगर आपने वायर को स्ट्रेच करके डबल लेंथ का कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो फोर टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल कर दिया तो वो थ्री नाइन टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए तो अब हमने बात कर रखी है, सबसे पहले अभी हमने बात कर रखी है कि डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन लेंथ, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया, डिपेंडेंसी ऑन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मटेरियल, क्लियर। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, लेकिन अभी ये ओम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, ठीक। अभी तो हमने ये ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर समझ लिया, ठीक, और हमने देख लिया कि भाई एक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो अभी हमको वी और आई के बीच में एक ग्राफ भी देखना है, क्लियर। सो द ग्राफ विल बी, सबसे पहले हमने ओम्स लॉ की बात करी, वहां से रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस की बात करी, फिर वहां से रेजिस्टिविटी की भी बात कर दी, फिर एक ये न्यूमेरिकल भी हमने देख रखा है, ठीक। अब हम बात करते हैं जरा ओम्स लॉ पे वापस, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी अवर ओम्स लॉ, ये आपका मेटल वायर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये आपने अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल, एंड दिस विल बी द करंट। तो अगर आप बैटरी का पोटेंशियल चेंज करोगे, मींस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो आप वायर के अक्रॉस, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, और वो जो करंट इंक्रीज करेगा वो इस तरह से इंक्रीज करेगा, इफ दिस विल बी योर आई, दिस विल बी योर, इफ दिस विल बी योर आई एंड दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाइड बाय द बैटरी, क्लियर। तो वो जो इंक्रीज करेगा वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, और जैसा कि आप जानते हो आई इक्वल टू वी बाय आर। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में वी है और वाई एक्सिस में आई है, तो अगर हम इसको वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करा दें तो एम जो है स्टूडेंट्स एम विल बी वन बाय आर, ठीक। इसका मतलब जो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा, क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू वन बाय आर, ओके। तो जो स्लोप हो जाएगा इस कर्व का वो 1 बाय आर होगा, और क्योंकि कंडक्टर के लिए आर कांस्टेंट होता है, hence the slope is constant, ठीक। हो सकता है किसी और मटेरियल के लिए ये स्लोप वेरिएबल हो जाए, जैसे कि सेमी कंडक्टर के लिए स्लोप वेरिएबल होता है, ठीक, या फिर नॉन मेटल्स या फिर इंसुलेटर्स के लिए स्लोप वेरिएबल हो सकता है, समझ पा रहे हो, लेकिन मेटल के लिए, कंडक्टर्स के लिए ये स्लोप जो है ये आपका नॉन वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट स्लोप का है, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन I and V, this is known as Ohm's law. अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, हमने ये बात कर रखी कि भाई रेजिस्टेंस लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है, एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है, और
मटेरियल पे वायर के किस तरह से डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर पे जो है रेजिस्टेंस ये आपका किस तरीके से डिपेंड करता है, विद रीजन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डिपेंड करता है आपका किस तरीके का मटेरियल है, मतलब अगर कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। कंडक्टर्स पे और इंसुलेटर पे। तो स्टूडेंट्स अगर कंडक्टर्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज अवर रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, बोर्ड में पूछा गया, आईटी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, क्लियर। तो कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है, ऐसा होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस जो है वो इनका टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह समझो कि भाई ये आपका कंडक्टर है, क्लियर, और इस कंडक्टर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और आप अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। समझ पा रहे हो ये चीज भाई? टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, वो उसके इंटरनल का काइनेटिक, इंटरनल मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक मोशन बताता है, काइनेटिक्स बताता है उसकी। टेम्परेचर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स टेम्परेचर इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक एनर्जी जो है थर्मोडायनेमिक्स में वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, मॉलिक्यूल्स के, इंटीरियर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, है ना। तो ये आपने पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स मीन्स इंटरनल सिस्टम, इंटरनल पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप खुद बताओ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई, रैंडम मोशन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा कोलिजन करेंगे आप, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, वेलोसिटी बढ़ चुकी है, या फिर आप ये कहें कि पर यूनिट कोलिजन का जो पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट कोलिजन का जो टाइम है वो डिक्रीज हो चुका है, तो अब उतने ही टाइम में ज़्यादा कोलिजन हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक सेकंड में 10 कोलिजन हो रहे थे, अब एक सेकंड में 100 कोलिजन हो जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। तो स्टूडेंट्स क्योंकि आपने यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, और रेजिस्टेंस इज द इफेक्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ चुके हैं तो इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो आप समझते हैं इंसुलेटर्स में क्या होगा, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इंसुलेटर, ये आपका एक इंसुलेटर, ठीक। तो अभी तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ये तो कंडक्टिंग है ही नहीं, ये कंडक्टिंग नेचर का नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट जीरो है, करंट ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकती। अब लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, क्लियर। क्यों जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इस एटम से, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का जो बॉन्ड था वो टूट गया, क्लियर, और ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, क्लियर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे इस वजह से, पहले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है इंसुलेटर्स में, ठीक। तो याद रखेंगे कि भाई अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, क्लियर। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर, और इसमें ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ओम्स लॉ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है हमारा आज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो अच्छे से, ठीक है, इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्लियर, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आप सबने
एक बार इसे पढ़ लिया होगा, ट्राई कर रहे हो ठीक, और आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को आंसर नहीं आया है ठीक है, वो थोड़ा वेट करें, आ जाएगा। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लोग देखेंगे, जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया, दोनों लोग वीडियो देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो द क्वेश्चन इज द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर टू रेजिस्टर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस। सेम मटेरियल है ठीक, रो सेम है दोनों के लिए, और आर स्मॉल आर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। क्लियर? सेम रेडियस विद लेंथ L1 L2। लेंथ एक की L1 है और एक की L2 है, और क्या कहा गया है? एज शोन इन द फिगर, दिस इज द शोन फिगर। क्लियर? V वर्सेस I का ग्राफ है, ये पोटेंशियल है, उधर करंट है। क्लियर? तो इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, स्टेट द रीजन विच ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट चेंज फॉर L1। मींस L1 का ग्राफ कौन सा होगा, A वाला होगा कि B वाला होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं L1 इज ग्रेटर देन L2, और स्टूडेंट्स आप जानते हो V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। क्लियर? तो V इक्वल टू I R, अगर आप ग्राफ देखोगे, V आपका अगर Y एक्सिस पे है, I आपका X एक्सिस पे है, तो आप अगर इसे कंपेयर करा रहे हो Y इक्वल टू MX से, Y इक्वल टू MX से, तो Y की जगह V हो जाएगा, X की जगह I हो जाएगा, M की जगह R हो जाएगा ठीक। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा, M इज इक्वल टू R। क्लियर? स्लोप आ जाएगा, दिस विल बी R1, दिस विल बी R1, दिस विल बी एक, ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स अगर हम ये ग्राफ बना दें V वर्सेस I का, तो जो इस वायर का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। तो आप खुद बताओ A और B में स्लोप किस पॉइंट का ज्यादा है? स्लोप विल बी tan थीटा, थीटा ज्यादा स्लोप ज्यादा ठीक। या फिर स्लोप के बारे में आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जितना स्ट्रेट होता जाएगा स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, और स्लोप दोनों का ही पॉजिटिव है ठीक। तो जितना थीटा ज्यादा उतना स्लोप ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से स्लोप बी का ज्यादा है, मीन्स रेजिस्टेंस बी का ज्यादा होगा। तो अब L1 और L2 में कंपेयर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स दैट रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल्स टू रो L1 बाय A एंड R2 विल बी इक्वल्स टू रो L2 बाय A। इज इट क्लियर? तो रो L1 बाय A और रो L2 बाय A, रो और A दोनों में सेम था, इस वजह से मैंने एज इट इज लिख दिया। तो L1 इज ग्रेटर देन L2, हेंस R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब बी का रेजिस्टेंस बड़ा है, बी वाले का रेजिस्टेंस बड़ा है, बी वाले का स्लोप बड़ा है। इसका मतलब दिस ग्राफ बी बिटवीन वी एंड आई रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर L1। क्लियर? दिस विल बी द L1 ग्राफ। क्लियर? तो L2 का ये हो जाएगा, ये L2 का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने क्या करा, हमने रेजिस्टेंसेस कंपेयर कर लिए। इसका एक और तरीका है कि आप सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट कर दो एक, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहां से भी कंपेयर कर दो। भाई सेम पोटेंशियल के लिए, ध्यान सुनिएगा, सेम पोटेंशियल के लिए करंट किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है, मतलब A का रेजिस्टेंस कम होगा ठीक है। फिर से सुनो, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, एक लाइन खींच दी, सेम पोटेंशियल के लिए इसके लिए ये करंट मिल रहा है और इसके लिए ये करंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल के लिए A के में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि करंट ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो R2 है, ये R2 A वाला है ठीक, मतलब L2 वाला A है। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ ओम्स लॉ ठीक। ये बहुत ही सिंपल है, ये आपका हो भी गया होगा, आई होप सो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो जिस तरीके से बेटा हमने कैपेसिटर की बात करी थी, फिर हमने देखा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता था, दैट इज क्यू बाय सी, है ना। फिर हमने कैपेसिटर का सर्किट देखा, हमने एक बैटरी लगाई, क्लियर। फिर हमने कैपेसिटर के किरचॉफ्स लॉ और उसके किरचॉफ्स के दोनों लॉ पढ़े, लॉ ऑफ जंक्शन, लॉ ऑफ लूप ठीक। तो उसी तरीके से कैपेसिटर का, जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसी तरीके से अब हम रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ठीक। एज यू ऑल नो वी इज गो टू आई आर, तो यही V जो है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R ठीक। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, इसकी भी बात करते हैं ठीक है। समझ लो, जैसे कि हमको तो पता था कि भाई अगर हम कैपेसिटर के अलोंग जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ये हमें पता था, याद आ रहा कुछ, कैपेसिटर में
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाओ अपने नोट्स देखो जाके, नोट्स आई होप आप बना रहे होगे साथ साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो वो आपको रिविजन में हेल्प करते हैं। तो आप जाके देख सकते हो कि जब हमने कैपेसिटर की बात करी थी, तो जब हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, ठीक। और जब हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे तो वहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। फिर हम जिस तरह से हमने कैपेसिटर पे किरचॉफ्स लॉ लगाए थे, उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस में भी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जिस तरह से हमने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन देखे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आप 10th क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इन स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, समझेंगे ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे एक कैपेसिटर को ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, एक रेजिस्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर रेजिस्टर। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है, जो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से। तो इस वजह से यहाँ पे स्मूथ फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेजिस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से रेजिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ऐसा दिखाया जाता है, ताकि हमको समझ में आए कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा है फ्लो होने से, करंट को रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये चीज़ आपको बता रही है, ये रेजिस्टेंस आपको बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे वहाँ अपने आप करंट जो है वो कम होने लगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट करता है करंट को फ्लो होने से, करंट को फ्लो होने से वो रेजिस्ट करता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक। अगर आपने इस तरह से बैटरी अप्लाई कर दी है, ये समझ जाओ, ठीक, इस तरह से आपने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भाई यहां से बैटरी से चार्ज निकलेगा, और बैटरी से चार्ज प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर इंड्यूस्ड होगा, क्यू वापस, क्यों भाई, ये होता है कैपेसिटर में एट स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट आ गई तो क्या बैटरी कोई चार्ज यहां से निकालेगी, नहीं, जब स्टेडी स्टेट आ गई तब बैटरी यहां से कोई चार्ज नहीं निकालेगी। तो जो भी हम बात करते थे वो सारी की सारी बात स्टेडी स्टेट पे करके आए, क्लियर। स्टेडी स्टेट मींस कैपेसिटर इज फुल चार्ज, नाउ नो चार्ज विल कम ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, नो चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन में कभी भी कैपेसिटर की प्रॉब्लम आती है, उसमें अगर स्टेडी स्टेट के बारे में नहीं पूछा गया है, तो मतलब उसमें अगर नहीं दिया गया स्टेडी स्टेट, तो आप समझ जाओगे द प्रॉब्लम इज ऑन स्टेडी स्टेट। तो कब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेडी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक केस आएगा, वो एक सिंपल सा केस आएगा अलग सा, जिसमें पर्टिकुलर टाइम पे आपको पूछा जाएगा कि चार्ज कितना आ गया, आरसी सर्किट बोलते हैं, तो वहां पे हम डिपेंड इसको कब पढ़ेंगे, जब आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक साथ लगे होंगे, वहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर कैपेसिटर कैपेसिटर में अगर हम बात करें, t इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। t इक्वल टू डेल्टा t टाइम पे कितना चार्ज होगा, पूरा चार्ज प्लस q आ गया, माइनस q उधर चला गया तुरंत, ठीक, तुरंत, ये सडन प्रोसेस हुई, सडन, ठीक। t इक्वल टू जीरो पे q इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू 0.00001 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे चार्ज इक्वल टू q, सडन चार्ज, जैसे ही आपने ये सर्किट क्लोज किया, t इक्वल टू 0 और 0.1 क्या है, t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट ओपन था, और t इक्वल टू 0 पे ही इसको आपने क्लोज कर दिया, इस स्विच को आपने t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है, सडन चार्ज यहां से निकल के आएगा, q चार्ज इस पे आएगा, माइनस q इस पे आएगा, तुरंत यहां बैटरी पे वापस, t इक्वल टू 0 तुरंत स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, तुरंत स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब है चीजें एज इट इज हो जाएं, एज इट इज, मतलब कोई चेंजमेंट अब टाइम के साथ ना हो, दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, ठीक। तो अब टाइम के साथ कोई भी चार्ज वेरिएशन नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक, कैपेसिटर में। रेजिस्टेंस की चलिए बात करते हैं, रेजिस्टेंस की अब हम बात करते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस में क्या होगा,
यहां बैटरी आपने V वोल्ट की अप्लाई करी, ठीक। अब जैसे ही आपने ये सर्किट ओपन था, पहले सर्किट ओपन था तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगी बैटरी में, कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं देगी बैटरी। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट क्लोज कर दिया, तुरंत क्या होगा स्टूडेंट्स, तुरंत यहां पे एक करंट आ जाएगी। क्लियर, यहां पे करंट आ जाएगी। करंट कितनी निकल रही है, आई निकल रही है बैटरी से, ठीक। ये करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी, इस तरह से ये करंट जा रही है, और ये करंट क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इस तरह से वापस आ जाएगी बैटरी में, ठीक। बैटरी क्या कर रही है यहां पे, बैटरी वर्क कर रही है। क्या कर रही है, वर्क। किस तरह से, बैटरी पॉजिटिव चार्ज को उठा के नेगेटिव चार्ज पे रख रही है। यहां पे बैटरी क्या काम कर रही है, वही काम कर रही है, बैटरी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे रख रही है, ठीक। तो दोनों जगह बैटरी तो वही वर्क कर रही है, दैट इज डेल्टा वी टाइम्स क्यू। यहां पे बैटरी वही वर्क कर रही है, डेल्टा वी टाइम्स क्यू, समझ पा रहे हो। बस यहां पे बैटरी ने एक बार वर्क कर दिया और हो गया, ठीक। लेकिन यहां पे बैटरी कॉन्टिन्यूस वर्क कर रही है, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है, क्योंकि चार्ज तो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा है ना। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बैटरी ने एक बार वर्क किया, वो वर्क स्टोर हो गया कैपेसिटर में जाके। यहां पे जो बैटरी वर्क कर रही है वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है, समझ पा रहे हो। बस इतना है। ये रेजिस्टर्स क्या है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो सकता है, ये जो जो वर्क है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो सकता है। जो भाई बैटरी वर्क करेगी वो जाएगा कहाँ, वो कहीं जाना भी तो चाहिए। तो जो बैटरी वर्क कर रही है चार्ज पे, वो वर्क जो है आपका, बैटरी ने कोई वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया, वो वर्क यहाँ स्टोर हो गया जाके एनर्जी में, कैपेसिटर में, क्लियर। लेकिन जो बैटरी ने यहाँ वर्क किया स्टूडेंट्स, यहाँ जो बैटरी वर्क करेगी वो वर्क कहाँ जाएगा, वो वर्क जो है आपको वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर और कोई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन लॉस्ट हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, समझ पा रहे हो। ये जो बल्ब जल रहा है, बल्ब ट्यूबलाइट्स, ये एग्जाम्पल है जब ये वर्क जो है बैटरी का ये लाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है जब ये वर्क जो बैटरी कर रही है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, फैन, क्लियर। ये बैटरी जो वर्क कर रही है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो बैटरी जो भी वर्क करती है, सेल, सेल का सर्किट बोला जाता है इसे, सेल, ठीक। तो आपने कभी किया होगा, अगर नहीं किया तो आप करिएगा जरूर। सेल से अगर आपने एक छोटी सी मोटर जो आती है लगी होती है खिलौनों में, तो वहां से वो मोटर अगर आपने कनेक्ट करी है तो मोटर घूम जाती है, क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, ये जो बैटरी वर्क कर रही है वो कहां जा रहा है, वो वर्क जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लियर। जो बैटरी वर्क कर रही है वो पूरा पूरा इस तरह से इसमें डिसिपेट हो रहा है और इस तरह से इसमें स्टोर्ड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई फैन जब चलता है तो यही जो वर्क आपने किया, बैटरी ने जो वर्क किया वो स्टोर्ड हो चुका है, वही वर्क जो है वही स्टोर्ड एनर्जी ले ली जाएगी तो फैन स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पे तो हीटर में चली गई वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में चली गई, क्लियर, इस तरीके से, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ठीक। अब एक और बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं देन डेल्टा वी विल बी माइनस क्यू बाय, दिस विल बी नेगेटिव, फर्स्ट दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी माइनस क्यू बाय सी, इफ सी इज द कैपेसिटेंस। और अगर हम यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं देन डेल्टा वी विल बी प्लस क्यू बाय सी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें बताइए आप, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स अलोंग द करेंट, इफ यू आर मूविंग अलोंग द करेंट, ठीक है, तब चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा वी। देखिए मैग्नीट्यूड तो आई आर ही होना है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस में आर आई है और रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी आर। लेकिन जो मैं चीज पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि भाई माइनस का आई आर कि प्लस का आई आर, मीन्स पोटेंशियल डेल्टा वी जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा, ये आपको बताना है। पोटेंशियल में ड्रॉप होगा कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। चलिए कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई करंट जो है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। फिर से बता रहे हैं, करंट जो है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो करंट मूव ही ना करता,
करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट में पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज होता जा रहा है पोटेंशियल। तो इसका क्या मतलब है कि भाई यहां पे जो पोटेंशियल है करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहां पे करंट की डायरेक्शन ये थी, दिस विल बी योर आई, क्लियर, आई फॉर करंट। और करंट की डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव, मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव, मींस दिस विल बी माइनस आई आर, माइनस आई आर, क्लियर स्टूडेंट्स। अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें अक्रॉस रेजिस्टेंस, देन दिस विल बी माइनस आई आर, ठीक। और अगर हम बात करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट, देन वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, क्लियर स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन अगर हम इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, अब ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम लूप किस तरह से ले रहे हैं। आपको याद है किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक। आप लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि भाई जो आपका डेल्टा वी है वो इस बार पॉजिटिव है, बिकॉज वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल विल इंक्रीज। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है, मींस डेल्टा वी विल बी आई आर प्लस आई आर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहली चीज ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल विल इंक्रीज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस आई आर, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। अब आपको समझ आया ये बैटरी जो वर्क कर रही है वो जा कहां रहा है, इस केस में और इस केस में, ठीक है। दोनों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको पढ़ने के पहले मैं जरा आपको किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी मैं यूज भी करने वाला हूं उसे, ठीक, बताऊंगा मैं अगले स्लाइड में, ठीक। लेकिन आपको वो पहले से ही पता है, क्यों पता है, क्योंकि हमने ये लूप रूल और जंक्शन रूल हमने कहाँ डिस्कस किया है, हमने कैपेसिटर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए एक बार करते हैं कोशिश, तो लेट अस सी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी दो तरीके से हो सकता है, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करी थी, वहां पे आया था 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा आर इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर 2, ठीक। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2। वहां पे पैरेलल में आया था सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी 1 प्लस सी 2, ठीक है। फॉर्मूले रिवर्स हो जाएंगे, जो पैरेलल का था वो यहां पे सीरीज में आ जाएगा, जो सीरीज का वहां पे था वो यहां पे पैरेलल में आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन और भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहचानने का तरीका एकदम वही है, एक के बाद एक लगे हो, मतलब जब एक खत्म हो जाए तब अगर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक साथ दोनों स्टार्ट हुए, मतलब एक साथ दोनों स्टार्ट हुए और एक साथ दोनों खत्म हो गए, देन दिस विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। बहुत ही सिंपल चीज है, जब दोनों एक साथ शुरू हो और एक साथ खत्म हो जाए, देन दिस विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब एक एक करके स्टार्ट हो, एक के बाद एक लगे हो, एक खत्म हो जाए तब दूसरा शुरू हो, देन दिस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दिस विल बी आर 1, दिस विल बी आर 2। ये बैटरी लगी हुई है, वी वोल्ट की है, और बैटरी जो करंट ट्रांसफर कर रही है दैट विल बी आई। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो एक खास बात है वो क्या है, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम। कैपेसिटर में क्या होता था, चार्ज सेम होता था, इसमें करंट सेम हो जाएगी, मींस करंट इसमें आई जा रही है, इसमें भी आई ही जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा
v इक्वल टू आई आर वन, और इसमें जो होगा v1 इज इक्वल टू आई आर वन, इसमें v2 इज इक्वल टू आई आर टू। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी v1, इसमें जो होगा दैट विल बी v2, ठीक। तो v1 इज इक्वल टू आई आर वन, v2 विल बी इक्वल टू आई आर टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो किरचॉफ्स लूप रूल लगा लेते हैं इसमें, बैटरी के इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ठीक। लूप रूल लगाइए, तो अगर हम लूप रूल लगाते हैं तो दिस विल बी v, अगर हम बैटरी के इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी स्टूडेंट्स i, करंट इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है प्लस माइनस, ठीक। फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आप एरो देखिए अपना, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्लियर। और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इसका मतलब वो कितना होगा, दैट विल बी माइनस आर वन, माइनस आई आर वन, ठीक। तो माइनस आई आर वन लिया, फिर यहां पे आए, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट विल बी माइनस आई आर टू, फिर हम यहां पे आए दैट विल बी प्लस वी, प्लस वी दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से स्टूडेंट्स आपको सिंपली मिल जाएगा कि वी इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू, दिस विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, एक ही चीज है, क्लियर। तो ये तो आपको केस यहां से मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, इस आर वन और आर टू को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाह रहे हो, फिर से वही चीज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स वो होता है, वो रेजिस्टेंस कि आप इन दोनों को हटा दो और उस रेजिस्टेंस को रख दो, सराउंडिंग को पता ना चले, सराउंडिंग क्या है यहाँ पे, बैटरी को ना पता चले, ठीक है, और भी सराउंडिंग को जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं वो सब भी सेम हो। आप दो रेजिस्टेंस हटाओ और उसको लगा दो और सराउंडिंग को बिल्कुल भी पता ना चले। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब है कि जितनी करंट अभी निकल रही है बैटरी से उतनी करंट बाद में भी निकले, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी बैटरी का उतना ही मेंटेन रहे, आर की जगह आर इक्विवेलेंट हो जाए और जितनी हीट अब निकल रही है उतनी हीट तब भी निकले, ये है मतलब आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट मीन सराउंडिंग को पता ना चले कि आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं, क्लियर। तो वो रेजिस्टेंस जो है उसको हमने बोल दिया आर इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ में आया ये आर इक्विवेलेंट है क्या, वहां सी इक्विवेलेंट भी यही था, मैंने उस समय भी समझाया था, ठीक। तो आप इसमें भी एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा दो, सो दिस विल बी करंट आई ही जाएगी क्योंकि सराउंडिंग को पता नहीं चला है कि आपने रेजिस्टेंस हटा दिए हैं, ठीक है, तो दिस विल बी आई, तो आई इससे गई तो प्लस माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल विल ड्रॉप, सो दिस विल बी माइनस आई आर इक्विवेलेंट प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, सो हियर वी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। मैं किरचॉफ्स लॉ से ही चलूंगा अब, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको बता दिया, अभी मैं बता भी दूंगा एक बार फिर से, लेकिन किरचॉफ्स लॉ से ही यूज करेंगे हम, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वी इक्वल टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहां पर रिप्लेस कर दो, सो दिस विल बी आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टाइम्स आर वन प्लस आई टाइम्स आर टू। सो यहां से स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप v1 और v2 भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ सिंपली v, इन टर्म्स ऑफ v, ठीक। तो आप क्या करोगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, v1 by v2 दिस विल बी इक्वल्स टू r1 by r2, एज यू ऑल नो करंट विल बी सेम, ठीक, एंड v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, क्लियर स्टूडेंट्स। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जिस तरह से कैपेसिटर में हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के याद कर लिया था, उसी तरह से हमें यहां याद रखना है v1 इज इक्वल टू v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1, क्लियर। तो r1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस r1 प्लस r2 इनटू v, क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ये रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए, कैपेसिटर में भी मैंने आपको याद करवाया था, तो v2 विल बी इक्वल टू r2 बाय r1 प्लस r2 इनटू v, क्योंकि कभी कभी सर्किट्स हो जाते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिसमें एक ऊपर r1 निकल रहा होता है, नीचे r2 निकल रहा होता है, तो हमको टाइम कम होता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज करके तुरंत बता देंगे कि कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है तो कितना v1 इसमें आ जाएगा, कितना v2 इसमें आ जाएगा, ये हम बता सकते हैं। मान लीजिए बैटरी में पोटेंशियल 100 है, तो आप सीधे रेजिस्टेंस ये 2 और ये 4 हो गया, तो आप सीधे बता दोगे इसमें कितना रेजिस्टेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आप करंट भी निकाल के कर सकते हो लेकिन वो एक स्टेप ज़्यादा होगी, तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और मेरा ये आपसे सजेशन है मेरा ये आपको कि ये भी ये फॉर्मूले आप याद रखो, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो v1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r1 प्लस r2 इनटू v, v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 प्लस r2 इनटू v। और वहां जो हमने कैपेसिटर वाले याद किए थे वो आपको याद होगा, c इज इक्वल टू q इज इक्वल टू cv,
ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे भी डिवाइड हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई V, अगर यहाँ कैपेसिटर होते तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज सेम होगा इस बार, ठीक है। तो V जो है इस बार कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने क्या बोल दिया था कि V1 इज इक्वल टू C2, C2 ले आए क्योंकि इनवर्सली है, ठीक, वहां पे रेशियो C2 बाय C1 आ रहा था। तो V1 इज इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2 इनटू V, एंड V2 इज इक्वल टू C1 बाय C1 प्लस C2 इनटू V, वहां पे ये निकाला था सीरीज के केस में, ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन नाउ, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रेजिस्टेंस एक साथ स्टार्ट हो और एक साथ फिनिश हो जाए, देन दिस विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा ही मैंने कैपेसिटेंस में भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस में जो रिजल्ट निकल के आता था दैट विल बी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू फॉर पैरेलल, एंड रेजिस्टेंस के लिए जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। और इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। तो देखिए जो करंट यहां से निकल रही होगी स्टूडेंट्स, जो करंट यहां से निकल रही होगी वो आई इस तरह से डिसोसिएट हो रही होगी। इस बार करंट सेम नहीं होगी, इस बार करंट सेम नहीं होगी, ऊपर आई वन गई है तो नीचे आई टू जाएगी, क्लियर। लेकिन क्या सेम होगा, अगर आप इस पॉइंट को देखो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को देखो दिस विल बी बी, तो इस ए और बी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस ए और इस बी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देखोगे कि चाहे आप इस पाथ से जाओ जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे इस पाथ से जाओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और चाहे इस पाथ से जाओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो तीनों के लिए सेम होगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन द पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स आर सेम देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज सेम, क्लियर। ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, क्लियर। तो चाहे आप यहां से जाओ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, चाहे आप यहां से जाओ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, चाहे आप यहां से जाओ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। अगर आप ए और बी के पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बी जो है वो लो पोटेंशियल पे होगा, क्लियर। तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी वी, वी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और अगर आप ऊपर वाले पास से जाते हो तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आर वन के अक्रॉस होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस आर टू के अक्रॉस होगा। तो इस केस में जो इंपॉर्टेंट थिंग है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी सेम बट करंट इज डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बट करंट इज डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है ये आई करंट आई है, आई स्मॉल आई करंट आ रही है यहां पे, और यहां पे वो डिसोसिएट हो रही है आई वन और आई टू में, क्लियर। अब आप ये समझ सकते हो कि मान लो रेजिस्टेंस आर वन अगर आर टू से बड़ा होगा, आर वन अगर आर टू से बड़ा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम है दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, तो अपने आप आई वन जो है वो आई टू से छोटा हो जाएगा। मोर रेजिस्टेंस लेसर करंट, मोर रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट। आप यहां से समझ रहे हो कि भाई अगर हम इसके लिए लिख दें तो V इज इक्वल टू आई आर वन, आई वन आर वन, क्लियर। V1 वन इज इक्वल टू आई वन आर वन, V2 टू इज इक्वल टू आई टू आर टू, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, और हमें पता है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये V के इक्वल है, इसका मतलब जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम सेम कर दें तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आई वन आर वन विल बी इक्वल टू आई टू आर टू, मतलब यहां से एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, दिस विल बी आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन, मतलब करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट है, और एक रिजल्ट ये हमारे पास आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, मतलब जो करंट आ रही थी वो आई वन और आई टू में डिवाइड हो गई है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, सो दिस विल बी योर रिजल्ट एंड दिस विल बी योर रिजल्ट।
तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम आई वन फाइंड आउट कर लेंगे. आप कर सकते हो दो इक्वेशन दो अननोन. क्लियर. द आई वन विल बी आर टू बाय आर वन प्लस आर टू टाइम्स आई. क्लियर. एंड आई टू विल बी आर वन बाय आर वन प्लस आर टू टाइम्स आई. क्लियर. तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं. ठीक. कैपेसिटर जब पैरेलल थे तो उनके में चार्ज डिवाइड हो गया था, तो Q इक्वल टू सी बी, क्यू इज डायमेंशनल टू सी. तो वहां से जो रिलेशन निकला था क्यू वन इज इक्वल टू सी वन बाय सी वन प्लस सी टू इंटू आई इंटू क्यू, और यहाँ पे जो निकला था क्यू टू विल बी इक्वल टू सी वन बाय क्यू टू इज इक्वल टू सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इंटू क्यू. तो क्योंकि चार्ज जो है कैपेसिटर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से आई वन के साथ आर टू आ रहा है और यहाँ से आई टू के साथ आर वन आ रहा है. ठीक है. तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं दोनों केस में, कैपेसिटेंस के भी केस में और रेजिस्टेंस के भी केस में. क्लियर. आप जरा समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या सिस्टम होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या सीन होने वाला है यहाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे थे मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. ठीक. आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे. क्लियर. आप समझते हैं जरा. तो अगर हम लिखते हैं इस रेजिस्टेंस के लिए, इस सर्किट के लिए I इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू हम लिख सकते हैं. ठीक. और आई वन जो है वो V बाय आर वन हो जाएगा, जैसा कि हमें दिख रहा है ऊपर से इस रिलेशन को यूज करके, और आई टू जो है ये V बाय आर टू हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम इस सर्किट को देख लें, इस सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कि अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें एक रेजिस्टेंस से कि सराउंडिंग को ना पता चले, मतलब करंट अभी भी उतना ही निकलेगा और हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही होगा. क्लियर. तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है, दिस इज आर इक्विवेलेंट. तो ये आर इक्विवेलेंट है. करंट इसमें अभी भी आई आ रही है. ठीक है. करंट आई आ रही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट आई विल बी इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट. वी बाय आर इक्विवेलेंट इसको यूज करेंगे यहां पे, वी बाय आर इक्विवेलेंट. तो यहां से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय आर टू सिंपली. क्लियर है. तो एक ये रिजल्ट हमको याद रखना है. ठीक है. दूसरा हमें ये याद रखना है कि भाई करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगी. और तीसरी चीज हमें याद रखना है, I इज गो टू I1 प्लस R2, जितनी आ रही है उतनी करंट जाएगी भी. क्लियर. सो दिस विल बी अवर रिजल्ट्स I1 एंड I2. क्लियर. सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. समझने का तरीका क्या है, जो रेजिस्टेंस एक साथ स्टार्ट हो और एक साथ खत्म हो जाए, दैट विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और रेजिस्टेंस जब एक के बाद स्टार्ट होंगे, एक के बाद एक स्टार्ट होगा, जब एक खत्म हो जाए तब दूसरा स्टार्ट हो, देन दिस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ लूप एंड किरचॉफ्स जंक्शन रूल. ओके. ओके स्टूडेंट. सो अभी तक हमने करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं. अब हम आ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ पे, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस. किरचॉफ्स के कैपेसिटेंस के लॉ हमने देख लिए थे. एक्चुअली कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं तो चार्ज फ्लो होते थे, चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता था. ठीक है. तब कैपेसिटेंस में चार्ज जो है वो एक्युमुलेट होता था, तो हमने वहाँ चार्ज की बात करी थी. अब यहाँ पे हम करंट की बात करेंगे. ठीक है. तो लॉ बहुत सिमिलर है उसी से, एक्चुअली ऑलमोस्ट वही है. ठीक. लेकिन ये रेजिस्टेंस के लॉ है. जब रेजिस्टेंस होगा सर्किट में तो हम ये लॉ यूज करते हैं. ठीक. अभी मैंने यूज भी किए थे पिछली स्लाइड में. ठीक है. तो चलिए देखते हैं वो क्या है. तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, दैट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन, किरचॉफ्स जंक्शन रूल एंड किरचॉफ्स लूप रूल. किरचॉफ्स जंक्शन रूल, फर्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स जंक्शन रूल. और जंक्शन फॉर होता है अ पॉइंट, मीन्स अगर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक वायर इस तरह से है और एक वायर इस तरह से और एक वायर इस तरह से, आई वन करंट इस वायर पे आ रही है, I2 करंट इस वायर पे आ रही है और I3 करंट इस वायर से जा रही है. तो सिंपल सी चीज है, द करंट कम्स टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल्स टू द करंट लीविंग द जंक्शन. ठीक. मतलब इस जंक्शन की तरफ जितनी करंट आ रही होगी उतनी करंट इस जंक्शन से जाएगी भी. क्लियर. मींस I1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू I3. मतलब आने वाली करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू जाने वाली करंट I3. क्लियर. ये सिंपल सा बेसिक लॉ है, सिंपल सा बेसिक लॉ है जो बहुत जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. क्लियर. इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अभी हम. क्लियर. सो द करंट कम्स टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन इज दिस पॉइंट इन जंक्शन. जंक्शन का मतलब एक पॉइंट होता है. द करंट कम्स टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन.
क्लियर? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, बहुत ही बेसिक लॉ है, क्लियर? और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे बता रहा है कि भाई जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से कि जितना पानी आ रहा है दो पाइप से उतना ही पानी जाएगा तीसरे पाइप में, क्लियर? अगर दो पाइप जुड़े हैं और एक पाइप जा रहा है पानी, ठीक है, तो ये उसी तरीके से है कुछ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो किरचॉफ्स लूप रूल नाउ, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक? कि अगर क्या है ये लॉ, क्या कह रहा है, द नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस तरह से एक क्लोज लूप है, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर? और इस तरह से ये एक बैटरी लगी हुई है, क्लियर? आर वन रेजिस्टेंस है और ये आर टू रेजिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल वी है बैटरी का। तो इन्होंने कहा कि भैया जो नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा अक्रॉस अ क्लोज लूप विल बी इक्वल्स टू जीरो। नेट चेंज इन पोटेंशियल, नेट ड्रॉप और वी कैन से नेट चेंज सही रहेगा ज्यादा, नेट चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज लूप विल बी जीरो। व्हेन पोटेंशियल विल डिक्रीज देन वी विल टेक माइनस, एंड व्हेन पोटेंशियल विल इंक्रीज देन वी विल टेक पॉजिटिव, ठीक है? तो पोटेंशियल चेंज, तो इसको देखते हैं भाई। यहाँ पे अगर करंट हम मान लेते हैं आई है, फर्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, क्लियर? यहाँ पे भी आई जाएगी और यहाँ पे भी आई जाएगी। तो अगर हमने लूप अपना क्लॉकवाइज ले लिया, हम इस निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से हमने ये लूप ले लिया, ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी आई आर वन, और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी आई आर टू, और जो इसमें पोटेंशियल इंक्रीमेंट हुआ है दैट विल बी वी, ठीक? तो अगर हम इसके अक्रॉस लगा रहे हैं, हम इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ए पे ही वापस आ जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक? सो दिस विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस विल बी प्लस प्लस वी, क्लियर? अगेन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा व्हेन वी विल मूव अक्रॉस द करंट, करंट की डायरेक्शन में, जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करें देन दिस विल बी आई आर वन बट नेगेटिव, दिस विल बी प्लस दिस विल बी माइनस, ठीक? पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? अगर हम यहां से यहां मूव करते देन वी विल टेक प्लस आई आर वन, ठीक? लेकिन अभी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो दिस विल बी माइनस आई आर वन। सेम इसके लिए भी करंट की डायरेक्शन मूव करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, दिस विल बी माइनस आई आई आर टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हम वापस ए पे पहुंच गए, क्लियर? सो दिस विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी अवर इक्वेशन ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल। अगर इसी लूप को हम क्लॉकवाइज ना लेके एंटी क्लॉकवाइज ले लेते, ए से स्टार्ट करते और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ए से स्टार्ट करते और पीछे जाते, तो चलिए देखते हैं, पीछे जाते देन दिस विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी विल क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस आर टू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, हेंस इट विल बी प्लस आई आर टू, प्लस आई आर टू, क्लियर? अगेन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी प्लस आई आर वन, क्लियर? नाउ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप, दिस विल बी डिक्रीज, दिस विल बी माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप देख लो दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, इसमें माइनस इनटू कर दोगे ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चाहे आप क्लॉकवाइज लूप लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी चाहे आप क्लॉकवाइज लूप लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लूप लो, दोनों ही केस में स्टूडेंट्स, दोनों ही केस में जो इक्वेशन है वो सेम बन रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक डायरेक्शन में कहीं पे भी लूप ले सकते हो। लूप क्या हो सकते हैं? लूप आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक सर्किट में, ठीक है? इस छोटे छोटे तरह के लूप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम जब इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके? देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम समझ चुके हैं चीजें, ठीक है? तो अब इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन हमको देखने हैं, जिस तरह से हमने कैपेसिटेंस में देखे थे, उसके बाद हमने जिस तरह से कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्वेश्चन देखे थे, उसी तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ पे हमने वीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम वीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, क्लियर? वीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। वहाँ पे भी हमने कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, यहाँ पे भी हम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था क्या, द पॉइंट एट सेम पोटेंशियल, टेक्निक ऑफ पॉइंट एट सेम पोटेंशियल से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। यहाँ पे भी हम टेक्निक ऑफ पॉइंट एट सेम पोटेंशियल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना समझेंगे, क्लियर? तो आप सेम क्वेश्चंस जो मैंने वहाँ पे करवाए थे उन सबको आप रेजिस्टेंस से एलिमिनेट करके कर भी सकते हो, ठीक? अगर आप चाहो तो, अगर आपने नोट्स अपने बना रखे हैं तो आई होप कि आप ये कर लोगे, ठीक है? सो
दिस इज ऑल अबाउट, सबसे पहले आज हम डिस्कस कर देते हैं आज हमने क्या क्या बात करी. सबसे पहले आज हमने करंट की बात करी, ठीक है. करंट के बाद हमने रिलेशन देखा कि करंट के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे. फिर उसके बाद हमने ओम्स लॉ की बात करी. ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस की बात करी, रेजिस्टिविटी की बात करी. रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस देखा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्लियर. उसके बाद हमने स्टूडेंट्स उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा. उसके पहले हमने रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन देखा और उसकी उसकी कंपैरिजन देखा कि किस तरह से कैपेसिटर और किस तरह से रेजिस्टेंस में अंतर है. उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, इसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, क्लियर, ठीक है. ये हमने देखा. फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखे. फिर हमने किरचॉफ्स लॉ देखा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ. अगले लेक्चर में हम देखेंगे और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लियर. तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमको डिस्कशन करना है, क्लियर. सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. नाउ आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी कि आपने नोट्स तैयार करते रहोगे, न्यूमेरिकल लगाते समय एक बार पॉज करोगे, वीडियो खुद से ट्राई करोगे, ठीक है. तीसरी चीज़ प्री रीडिंग्स आप करके आओगे, ठीक है, प्री रीडिंग्स करके आओगे. चौथी चीज़ रिवीजन. रिवीजन इस समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी हो चुकी है, क्लियर, और ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक. उसके बाद मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक. और अगर आप सही से रिवीजन कर रहे हो तो मेरी ये गारंटी है कि 12th क्लास की फिजिक्स जेई मेंस लेवल की, जेई एडवांस लेवल तक की आपको यूं याद हो जाए, यूं तैयार हो जाएगी कायदे से. न्यूमेरिकल्स आपके जेई के होने लगेंगे. मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स के लेक्चर बना दिए हैं, ठीक है, वो भी आपको आप तक मिल जाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ जाएंगे, ठीक है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक, एंड दैट इज़ ऑल. थैंक यू.